हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस, आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही। आप सबको पता ही है, आप सब कमेंट करते रहो ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। मैं बना नहीं पाती, मैं इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज बना लूँ। तो अभी जो है 11 बज रहे हैं, अभी मुझे बनाना खाना। आज पापा की है छुट्टी, तो इसलिए सब्जी भी बनेगी और रोटी तो बनेगी। आज मैं होगी थोड़ी सी लेट क्योंकि आज मैं एक दो अपनी वीडियोज़ बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। व्यू जा रहा है स्कूल और हमारी जो छोटी बेबी थी वो चली गई अपने मामा के यहाँ, कल ही गए हुए दोनों माँ बेटी। तो अभी थोड़े दिन रह के आऊँगी, त्योहारों से पहले भी आ जाएगी। तो अभी जो है मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि खाना बनाना, और मम्मी कह रही थी कि आलू बैंगन की सब्जी बना लिए। तो चलो अभी जो है आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और फिर क्या, फिर कुछ नहीं करना। हमारे टीवी में हो गया रिचार्ज खत्म, तो मैं सोची इसमें रिचार्ज भी कर लूँ अपना साथ के साथ। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में जब मतलब टाइम होगा देखने का तभी कर लूँगी। अभी जा रही हूँ मैं किचन में और गाइस बस बनाई रही मैं, वैसे मतलब वही हो रहा अजीब सा, पता नहीं कैसा बना कब लोग कैसा नहीं बने, क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद बनाए और दूसरा कुछ है नहीं बनाने को इसलिए। तो चलो फिर भी देखती हूँ कैसा बनेगा कैसा नहीं बने। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, पहले बाल बांध लूँ क्योंकि वहाँ लगेगी गर्मी, और आज मैंने बाल धोए थे ना इसलिए खुले नहीं, तब तक तो मैं बांध भी लेती। अभी मैं आ गई थी किचन में और आने के बाद मैं लगी थी पहले बैंगन छीलने के लिए, और जो दो तीन बैंगन रखे थे इसमें से मैंने दो बैंगन लिए छोटे छोटे, एक बड़े वाला छोड़ दिया, मगर अगली बार सब्जी में काम आ जाएगा यूँ। तो अभी इस वाले बैंगन में बहुत ज़्यादा कीड़े निकले, थोड़ा बहुत ही बचा जो ठीक था। तो दोनों बैंगन काट लिए, आलू भी काट लिए, टमाटर प्याज सारी सब्जी जो है काट के रख ली थी मैं। अभी मैं लगी छोकने के लिए क्योंकि लाइट आ रही थी, तो इसने इंडक्शन पे ही छोक रही। तो अभी जो है हमारा इंडक्शन अभी कितने दिन पहले ख़राब हो रहा था, तो अभी फिर हमने इंडक्शन वाले को जो मतलब ये है वे उनको बुलाया था, उन्होंने ठीक किया, तब जाकर ये ठीक चल रहा। कर बात कर इस तरह का बाबू नहीं है बाबू, खत्म आ जा रही है। चमेली में रिद्धि को ललि बेटी को ये कैन भर रहा है, इसमें देख क्या वो दे रहा है, तो ललि को चाचू नद भाई है। अभी सब्जी भी बन गई और आटा भी मैंने रेडी कर लिया, बस रोटी बनाऊंगी। और अभी मैं खारी लॉलीपॉप भी लेकर आया तीन चार, मगर तीन चार खाने भी ठीक नहीं इसके लिए, तो एक मैंने ली एक मम्मी ने ली और एक उससे दे दी वो खाने लग रहा है, और एक उस पर टोपी भी ले आई मैं। पहले जब छोटे थे ना तब ज़्यादा अच्छी लग रही है टोपी हुई ये सब चीज़ें, लेकिन अब थोड़ी कम हो रही। अब मतलब मन सा कर रहा चाह रही तो खा ले, नहीं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं रखी रहे बहुत सी चीज़, मन ही नहीं करता खाने का। लेकिन जब छोटे थे ना तब सब चीज़ खाने का मन कर रहा था अपने आप ही। तो चलो अभी जो है चाचा जी भी आ लिए, ये भी रोटी बना दो उनके लिए, और व्यू के पापा और छोटू भैया मुझे पता नहीं कहाँ आए, दोनों फ़ोन करूँ देखू कहाँ आए, मंगा के खा लो खाना क्योंकि टाइम हो रहा 12:30। खाना बना गया तो मैं आ गई, अभी व्यू के पापा रह रहे हैं, वे अब तक आए नहीं, मैं जब आऊँगे तब खाओगे। अभी मैं सोची पहले व्यू का होमवर्क करा दूँ क्योंकि फिर वो खेलता रहे ना, फिर वो भूल जा रात को, फिर नींद सी आई रहे, ज़बरदस्ती काम करवाना पड़े, तो मैं सोच रही अभी करवा दूँ। वैसे अभी शाम का टाइम हो रहा था, अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही क्योंकि व्यू ने देखो क्या यहाँ हंगामा मचा रखा है, यहाँ पे वो राख रखी थी ना बाहर, तो अब तक वो उठाई नहीं थी, कल ही गई थी हमारी छोटी सी, तो ऐसे ही रखी थी व्यू ने सारे को पूरे घर में ऊपर नीचे सबके ऊपर फेंक फेंक के राख, ये देखो क्या बुरा दिन उतार दिया। तो अभी मम्मी लग रही थी इसकी मतलब पिटाई भी नहीं कर रही थी, वैसे ही खेल रहे थे इसके साथ मैं इधर, क्योंकि ये जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना ये मुझे परेशान कर रहा था, तो इसलिए मम्मी से परली तरफ लेकर जा रही थी ताकि मेरे भी काम हो जाए और ये भी अपना परी खेलता रहे। लोग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आज है नेक्स्ट डे, जैसे सुबह के 9:30 बज रहे, अभी जो है नहा ली सब काम हो गया, अभी बस मुझे कपड़े धोने, तो लाइट आ गई अभी आई लाइट, तो कपड़े धोऊंगी पहले मशीन लगाऊंगी, और आज मैं बनाऊंगी शाही पनीर, पनीर मैंने मंगवा लिया तो आज मैं शाही पनीर बनाऊंगी। अभी बीच में थोड़े दिन पहले मटर पनीर बनाया था, तो फिर मैंने सोचा आज मैं चलो आज शाही पनीर बनाऊंगे, तो पनीर आ गया, काजू भी आ गई, दो चार चीज़ जो भी है वो मतलब ज़्यादा उसमें ताम झाम नहीं करने के, ज़्यादा मसाले नहीं डालने के, नॉर्मल से जैसे घर में रहना ऐसे ही डाल के बनाऊँगी, तो पहले भी बना रखा वैसे, तो आज फिर से बनाऊँगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे, बहुत टाइम के बाद बनाऊँगी। तो कल मैंने शाही पनीर बनाने के लिए अपने जो जो सामान मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने पहले ही कट कर लिए, अभी पहले मैं इनको अच्छे से भूनूंगी,
उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें पानी थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद ये सब चीज़ डालूंगी। इसमें मैंने देखो क्या क्या लिया, हरी मिर्च ली, अदरक लिया, लहसुन लिया, काजू ली, काजू तो चाहिए शाही पनीर में, हरी इलायची, ये हरी इलायची, लौंग, प्याज, टमाटर और जो इसमें और चीज़ डालूंगी वो सब आपको मैं बताऊँगी साथ के साथ ही। सब चीज़ें एक साथ ही डाल दी मैंने। इसमें दो तीन चीज़ और डलेगी, एक तो नमक डलेगा और ये कश्मीरी मिर्च डलेगी और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी घी, नोनी घी, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे ढक दूंगी करीबन 15-20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से इसमें पक जाए और उसके बाद देखूंगी कैसे बनेगी। अभी अच्छे से पक गया था, अभी मैंने बाहर कूलर के सामने इसको रख दिया ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर मुझे ये मतलब ठंडा करके उसमें जार में ग्राइंड करूँगी ना, इसलिए तो मैं बाहर ही रख दिया था। अभी साथ के साथ कपड़े भी धुले थे तो मगर चलो कपड़े भी धोते रहेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। आज मैं सही टाइम पे लगी, सही टाइम पे जो है मेरी सब्जी भी बन गई और कपड़े भी धुल गए, बस ये 2-4 कपड़े रह रहे थे, बाकी सारे इसमें धुलने लग रहे थे। ठंडा हो गया था तो अभी मैंने इसको मिक्सी जार में एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया, अभी इसको मैं छानूंगी, मेरे पास दूसरे वाले छलने नहीं है, बस यही वाले हैं तो इसी से छानूंगी, देखो ये कितना छना कितना नहीं। तो गाइस अभी सब कुछ सामान मैं रेडी कर रही थी, बाकी ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करा, थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा तो मतलब मटर पनीर में भी इतना नहीं लगता, वैसे हम सोचे ही है कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, पर कुछ हो गया। और ये जो बचा हुआ था ये मैंने इसमें रख लिया, जब सब्जी बनाऊंगी ना शाम को या कल सब उसमें डाल दूंगी तो। और ये है हमारा पनीर, पनीर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही मंगाया था मैं, तभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। तो अभी जो है बस इसको छोकना रह गया था, अभी पनीर मैंने पहले फ्राई नहीं किया इसके, मैं इसमें साथ के साथ ही फ्राई करूँगी। अभी इसमें मैंने दो चम्मच के लगभग तेल डाल दिया, सॉरी तेल नहीं डाला, घी में बनाया मैंने, घी डाल दिया और उसमें अदरक को क्रश करके डाल दिया और एक हरी मिर्च बीच में से कट करके डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पनीर और उसको पनीर को थोड़ा सा पकाऊंगी, मतलब ज़्यादा भी बिल्कुल एकदम ज़्यादा भी नहीं पकाने की, नॉर्मल सा पका के उसके बाद जो है इसमें डालूंगी मैं ये जो मैंने शाही पनीर की कढ़ी तैयार की ये डाल दी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और थोड़ी सी कसूरी मेथी और बस। तो अभी देख लो गाइस ये बन के ऐसा रेडी हुआ और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सबने खा लिया, सबको पसंद आया। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था ताकि एक टाइम में ही हम इसको खा लें, इसीलिए इतना ही बनाया था। शाही पनीर बन के हो गया रेडी, तो रसोई में सब कुछ बुरा दिन सोया से साफ कर दूँ, फिर जो है रोटी बनाऊँगी। टाइम अभी हो गया 11:15, तो टाइम सही बन गया, कपड़े भी धुल गए, बस अभी कपड़े सुखाने रह गए, मतलब 2 चादर रह गई सुखानी, बाकी तो सब सुखा दिए। तो चलो अभी करते हैं काम। तो अभी जो है मैंने टेस्ट करके देख लिया और मम्मी को भी दिखा दिया, तो अच्छा बन रहा, मन को शांति सी हो गई कि हाँ सही है, मेहनत रंग लाई। गाइस आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर पर इतना ज़्यादा तामझाम नहीं लगता इसमें, थोड़ा सा टाइम लगा बस 1 घंटा, 1 घंटे में आपका शाही पनीर बन के रेडी हो जाएगा, आप भी ट्राई करना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना सेम रेसिपी ट्राई करना, ऐसा लग रहा है जैसे होटल में खावे ना हम, सेम वही टेस्ट आ रहा। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पूरी, ये 2-4 तो मैंने बना भी ली और व्यू के पापा को अभी दे रही मैं, ये गरम गरम सी फूली फूली सी, और चाचा जी को भी साथ में ही दे रही, चाचा जी भी आ गए। चलो तो गाइस अभी होगी थी शाम के बज रहे थे 4:30, मैं बैठी थी बस ये कपड़े रखे थे, मैं कहा प्रेस करूँगी तब लाइट चली गई, अभी देख रही थोड़ी देर में अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो बस इनको फिर वहीं रख दूँगी, कल को करूँगी। और यहाँ पे चल रहा मेरा सीरियल अक्सर वाला, और इधर दोनों बापू बेटा बैठ के अपना लग रहे फ़ोन में, भी उन्होंने देखो मुँह का क्या हाल कर रखा। 4:45 और अभी लाइट दोबारा से आ गई तो मैं प्रेस करने लग रही, और अभी ये देखो ये वाली हमने नई वाली प्रेस मंगाई, वो पुरानी वाली हमारी फूक गई थी, एकदम ख़राब हो गई थी वह, तो उसमें मतलब ऐसी हो गई थी वह कि वो ठीक भी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए वह तो हमने फेंक दी, अब नहीं मंगाई, आज फर्स्ट टाइम इससे प्रेस कर रही, देखूंगी कैसी होगी। शाम के 6:30 अभी सारे कपड़ों पर प्रेस होगी, सबके जहाँ जा रहे हैं थे, 1.5 घंटा लग गया मुझे आज प्रेस करने में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा और थे, परसों के भी थे और आज कपड़े धोए थे, आज के भी थे, कल दूंगी तो कल के साथ के साथ ही देख लूँगी प्रेस करूँगी या नहीं, या फिर परसों कर लूँगी, वो तो ये है कल तो थोड़े रहेंगे क्योंकि परसों बृहस्पत हो जाएगा ना, तो कल ही दूंगी, मुझे कराना व्यू का होमवर्क। चलो बेटा जल्दी करो, फिर मुझे रोटी बनानी, जल्दी आ जाओ बेटा आ जाओ। अभी बज के रात के 8, अभी सारा काम निपट गया, खाना वाना सबने खा लिया, बर्तन साफ कर आई, अभी जो है बस कुछ नहीं रहा, अभी कुछ नहीं रहा, अब बैठ कर टीवी देखूंगी, वीडियो एडिट करूंगी और आप सबके लिए ब्लॉग तैयार करूंगी। तो चलो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए ब्लॉग लाने की, तो तब तक बने रहिए, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।